हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू UPPSC को समर्पित मेरे यूट्यूब चैनल जो कि बिल्कुल नया है, रिजल्ट लैब। आप सबका स्वागत करता हूं। और द हिंदू एडिटोरियल सेशन है ये, और UPPSC के लिए एक नई शुरुआत है। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, और उम्मीद करता हूं धीरे धीरे आप इसकी इम्पॉर्टेंस को समझ पाएंगे। इम्पॉर्टेंस इन द सेंस कि UPPSC के लिए अलग से हिंदू पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे आज की क्लास में हैं, एक बार आप अपनी नोटबुक निकालिए और अपनी नोटबुक पर लिखिए कि UPPSC के लिए द हिंदू अलग से पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जब यह क्लास ख़त्म हो जाए फिर सोचिएगा और मुस्कुराइएगा कि क्या यानी इस सुनील अभिव्यक्ति ने यह बात सही कही है या सही नहीं कही है, कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी जर्नी। आज हम दो टॉपिक करेंगे। क्या करेंगे? दो टॉपिक करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, ये मेरा सेशन मुख्य परीक्षा को समर्पित है, पूर्णतया। प्रीलिम्स को समर्पित एक नया सेशन स्टार्ट होगा, वह इस महीने के अंत या फर्स्ट हाफ मई से स्टार्ट होगा। मैंने कहा कि मैं जब भी काम कहीं करता हूँ तो बहुत आराम से, बहुत पेशेंसली बच्चों को इनोवेशन देने की, नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। और एक बार मैं हिंदू में आपको रिदम में ला दूं, इसके बाद दूसरा मेरा टारगेट है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, 20 तारीख से या 21 तारीख से इकोनॉमिक सर्वे उत्तर प्रदेश स्पेशल, नोट कर लीजिएगा, यानी ये भी एक अनाउंसमेंट आप इसको करिए। उत्तर प्रदेश यानी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल होता है, आप मार्केट में जितने भी कंटेंट हैं उठा के देखिए, क्यों आपको बहुत मज़ा नहीं आएगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि इकोनॉमिक सर्वे जैसे देश का होता है, जिस पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस होता है, आप हर जगह देखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई मीडिया कर्मी करे, ठीक है ना, कोई पॉलिटिशियन करे, कोई मिनिस्टर करे, कोई अपोजिशन का लीडर करे, या जो है कोई अध्यापक करे जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपकी कितनी समझ है? जिस बच्चे की अच्छी समझ होगी वही यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से टैकल कर पाएगा। तो 20 तारीख या 21 तारीख से, यानी 20 अप्रैल आप मान लीजिए, 20th अप्रैल से मैं इकोनॉमिक सर्वे कराने जा रहा हूँ, यानी उत्तर प्रदेश का पिछला 2020-21 का, क्योंकि आगे वाला आया नहीं, तो आगे वाला आएगा जून में, जैसा कि उम्मीद है बजट प्रस्तुत किया जाएगा उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो अगर जून में किया जाता है तो मेंस में जो 22 में बच्चे जो मेंस लिखेंगे उनको वहाँ से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, तो उनके लिए भी हो जाएगा। और 21-22 का हम इकोनॉमिक सर्वे करें उससे पहले हमारी एक समझ बन जाएगी यूपी का इकोनॉमिक सर्वे जो मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना, 2020 और 2021 का। ये स्पेशल क्लास पर होगा, आप सबके लिए बिल्कुल फ्री लगातार, यानी 10 दिन अब इस पर क्लास रहेगी। कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे 200 कुछ पेज का पूरा इकोनॉमिक सर्वे है, और सब कुछ कराने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे आपको इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स और मेंस और यूपी स्पेशल तीनों में उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखें, इकोनॉमिक सर्वे। और मैं बताऊँ, जब मैं यूट्यूब पर आया था 2019-20, एक बार आप जाना मेरे नाम से सर्च करना, 2019 में आया, तो 19-20 का मैंने इकोनॉमिक सर्वे किया, यूट्यूब पर कराया, फिर 20-21 का कराया, और फिर 21-22 का कराया। क्या कराया? 21-22 का कराया। आप देखोगे 19-20 को कम पसंद किया गया क्योंकि मैं नया था, 20-21 जितना 19 में पसंद किया गया उसका लगभग 3 गुना था, और 21-22 तो आप पूछने की ज़रूरत नहीं, जा करके आप चेक करें उसके व्यूज़ एंड सो ऑन जो भी होते हों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब नई चीज़ें हैं, मैं जो UPPSC की तैयारी स्पेशल कर रहे हैं बच्चों उनके लिए मैं करना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? अगर मैं हिंदू पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर आप तो हिंदू पढ़ा रहे हैं IAS के लिए भी, तो फिर अगर उसी में UPPSC के भी क्वेश्चन लगा दीजिए तो काम हो जाएगा? नहीं, फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों। क्या? फोकस। ये हमेशा याद रखिएगा, आपका फोकस, 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी थे, और सबको अकेले शिक्षा दे रहे थे कौन? गुरु द्रोणाचार्य।
लेकिन केवल अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में क्यों सामने आए नंबर वन, और एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में सामने क्यों आया? क्योंकि एकलव्य का भी फोकस क्या था? गुरु और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, उनके प्रति एकलव्य का समर्पण, और अर्जुन का भी समर्पण था अपने टारगेट के प्रति, यानी उन्हें केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी और सबको, किसी को डाल दिखाई दे रहा था, किसी को पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को फल दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब अर्जुन श्रेष्ठ इसलिए बने क्योंकि उनका टारगेट क्लियर था कि मुझे चिड़िया की आंख ही दिख रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता आपका फोकस। तो जो बच्चे यूपीपीसीएस पे कर रहे हैं उन्हें 100% इस पर फोकस होना पड़ेगा, तभी जा करके हम यानी क्लीन बढ़त ले पाएंगे, क्योंकि अब इसमें कंपटीशन बढ़ गया। ऑल इंडिया के बच्चे यूपीपीसीएस में पार्टिसिपेट करते हैं, 3 बार के टॉपर्स को आप देखें 18, 19, 20, तो इस बात को अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास इन्हीं सब बातों के साथ, यानी कुछ नई नई चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग लेंगे GS1 में महिला समाज और महिला संगठन। क्या लेंगे? वुमेन सोसाइटी, यानी महिला समाज और संगठन। तो आज पहला एक टॉपिक। इसके बाद GS3 पे लेंगे हम लोग बच्चों पर्यावरण, यानी एनवायरनमेंट, और विकास यानी डेवलपमेंट का अंतर संबंध। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, अंतर संबंध, पर्यावरण और विकास का अंतर संबंध। तो आज 2 टॉपिक हैं ट्यूटोरियल में, बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं। ये मैं मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चे नए हैं फर्स्ट टाइम मुझे फॉलो कर रहे हैं, वही इस एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं, ये इसलिए है कि जब आप SK लाइव कोड यूज़ करें, जब मैं प्लस पे क्लासेस स्टार्ट करूँ, जब आप SK लाइव कोड यूज़ करें, तो आपको कम से कम ये रहे कि आप एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के साथ हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और UPPSC रिजल्ट लैब आपके लिए बिल्कुल UPPCS, अपर PCS और हर एक यानी मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स GS 1, 2, 3, 4 ऐसे इन सब को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। और अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करिए, क्विज स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। सबसे पहले आज मैं टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ बच्चों, मैं एक जो क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ से अपनी आपसे बातचीत शुरू करूँगा। 2020 का जो क्वेश्चन है वहाँ से, कहाँ से, ठीक है, GS3 का अब हम शुरू करने जा रहे हैं। यानी अभी मैंने आपको बताया नहीं मैं टॉपिक क्या कराने जा रहा हूँ, पहले मैं एक प्रश्न पर चर्चा करना चाहता हूँ जिससे आपको थोड़ा यहाँ से सुकून मिले। ये सेक्शन बी, GS3 सेक्शन बी यानी खंड बा का ये क्वेश्चन आया है 2018 PCS मेंस, ठीक है ना, PCS मेंस क्वेश्चन है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है ये, आप इसको सर्च करिएगा। और क्वेश्चन है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या, के बीच संतुलन की समस्या। अब ये देखिएगा, ये इन्वर्टेड कामा में है, ये इन्वर्टेड कामा में पर टिप्पणी लिखिए। आप सोचिए हिंदू अखबार की क्या भूमिका है, अभी आपको मजा आएगा। पर टिप्पणी लिखिए, ये आपका है 12 अंकों का आया है, ठीक है ना। राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ इक्विबिलेरियम बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट
इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है बच्चे? 2018 में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, ध्यान रखिएगा 20 या 19 एक बार आप चेक करेंगे क्योंकि मैं इसको अपने लिए रख लेता हूं। तो आया हुआ है 2020 या 19 आप एक बार चेक करिएगा, वैसे 2020 का है फिर भी मैं लिख दे रहा हूं 19। जीएस पेपर 3 सेम जीएस 3 और ये सेक्शन बी में ही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है सतत विकास लक्ष्य 13 के मुख्य उद्देश्य, सतत विकास लक्ष्य 13 के मुख्य उद्देश्य। अब आप देखिए यह भी क्वेश्चन आया हुआ सतत विकास लक्ष्य के मुख्य उद्देश्य। अब आप देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको ये एक प्रश्न का उत्तर देना है। और तीसरा जो हम लोगों ने कल किया था, एक निबंध किया था और वह निबंध था एक ऐसे था कल हम लोगों ने किया था, यह भी यूपीपीसीएस का ही है। क्या था? भारत में संसाधन प्रबंधन। तो ऑब्वियस क्वेश्चन तो रिपीट करेंगे क्योंकि लेक्चर तो हम लोगों का रोज हो रहा है और पेपर तो एक ही बार होता है बीसी क्वेश्चन का। भारत में संसाधन प्रबंधन क्या है? भारत में संसाधन प्रबंधन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप देखिएगा जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो क्या देखेंगे, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या। 2018 का यह क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रश्न की डिमांड मैं बताऊंगा, देन आप एडिटोरियल पढ़ेंगे और झूम जाएंगे। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न की डिमांड समझना बहुत जरूरी है। डिमांड मतलब वह विषय जिस पर आपको आंसर लिखना है। तो आप यहां पर देखे कह रहा आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया याद रखिएगा, यानी जीडीपी प्लस आर्थिक विकास है, यानी समृद्धि नहीं। आर्थिक विकास का मतलब होता है जीडीपी प्लस इंक्लूसिवनेस, यानी सकल घरेलू उत्पाद प्लस समावेशन, दोनों चीजें। डेवलपमेंट जब भी आएगा तो जीडीपी के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल हो जाएगा, और जब जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है ये हो गया। कह रहा है कि हम किसी भी कंट्री का किसी भी देश का टारगेट ये भी होता है, बट ऑब्वियस है कार्बन उत्सर्जन हम करते हैं तो फिर हमारा देश क्या होता है, यानी क्लाइमेट चेंज का भी शिकार होता है। तो आप देख सकते हैं जीडीपी भी बढ़ाना ये भी करना है और इसके साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को भी हमें नियंत्रित करना है, याद रखिएगा। अब देखिए ये भी करना है और कार्बन उत्सर्जन का नियंत्रण भी करना है। अब ये कैसे होगा ध्यान रखिएगा, यानी आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या है। आर्थिक विकास यानी जब हम आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक प्रक्रियाएं संचालित करेंगे, कोयले का इस्तेमाल करेंगे, फाजिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन ये सब हैं, हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे। तो जो कोयला है, तेल है, गैस है, ये जो फाजिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन हैं, तो इन जीवाश्म ईंधनों के कारण क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा। कार्बन का उत्सर्जन होगा तो धरती गर्म होगी, और धरती गर्म होगी तो मौसमीय यानी जो वेदर कंडीशन होती है मौसम पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपदाएं आएंगी, कभी सुनामी आएगा, कभी ज्यादा बाढ़ हो जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी चक्रवात आ जाएगा। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में चक्रवातों की बारंबारता कितनी ज्यादा है, और पहले तो बंगाल की खाड़ी में ही चक्रवात आते थे, बे ऑफ बंगाल में, अब तो यानी पहले का एक सिद्धांत था
यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि भाई सारे चक्रवात बंगाल की खाड़ी में क्यों आते हैं, अब तो उल्टा हो गया। सरकार की तरफ से, भारत सरकार ने वर्ष 2021 में एक नोट में यह प्रकाशित किया कि अब अरब सागर में बंगाल की खाड़ी से ज्यादा चक्रवात आते हैं। अब आप देख सकते हैं क्यों हो रहा, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार्बन उत्सर्जन और आर्थिक विकास में एक क्या है, समान संबंध भी है और असमान संबंध भी है। कि अगर हमें विकास करना है तो हमें कार्बन उत्सर्जन करना पड़ेगा, बट अगर हमें उस विकास को सस्टेन करना है यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे बढ़ाना है तो कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण भी करना है। तो दो टारगेट आपके सामने हैं जो इस प्रश्न में आपको लिखने हैं, शायद मैं आपको समझा पा गया। अब आप कहेंगे सर इसकी चर्चा आप यहां क्यों कर रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला टॉपिक इसी विषय पर है और आप आईएएस में यही लेक्चर कल यूपीएससी के लिए हुआ है, आप वहां पर प्लीज चेक करिएगा कि कैसे यहां और वहां की अप्रोच एकदम से डिफरेंट होती है। यानी 1% कॉपी नहीं, कंटेंट तो मैं नहीं बदल सकता हूं, समझ गए कि नहीं समझ, यानी अखबार तो मैं नहीं बदल सकता हूं, लेकिन इसके अलावा सब कुछ चेंज होता है, जो वहां है वो यहां नहीं है, ये हमेशा याद रखेगा। इसीलिए दोनों क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है अलग, ये फोकस यूपीपीसीएस के लिए। पूरे एडिटोरियल में फिर से एक बार नोट करिए, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या पर चर्चा किया गया है। क्या चर्चा किया गया है, आइए सिखाते हैं। कोपिंग विद फिजिकल इफेक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन लीजिए अब। कोपिंग विद फिजिकल इफेक्ट ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम ऊर्जा संक्रमण, यानी एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है ऊर्जा संक्रमण, और ऊर्जा संक्रमण का अर्थ होता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के अनुसार, ऊर्जा संक्रमण होता है जब हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस से, हम अनकन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों या अक्षय ऊर्जा स्रोतों की तरफ गतिशील होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संक्रमण। आगे सब लिखा हुआ डेफिनेशन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ऊर्जा संक्रमण मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर कह रहा ऊर्जा संक्रमण यानी हम अक्षय ऊर्जा की तरफ जो बढ़ रहे हैं, किससे, कार्बन उत्सर्जन से। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एनर्जी ट्रांजिशन क्या दिखाता है, एनर्जी ट्रांजिशन यहां क्या दिखा रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन यही तो, यानी ऊर्जा संक्रमण जो आप पढ़े अभी कि भाई ऊर्जा संक्रमण। तो ऊर्जा संक्रमण का मतलब क्या है कि अब हम आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या, हम आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच एक सकारात्मक संबंध बनाने की कोशिश में ऊर्जा संक्रमण की तरफ जा रहे हैं। बट समस्या क्या है कि जैसे ही हम ऊर्जा संक्रमण के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, यानी हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से यानी कोयला से, तेल से, नेचुरल गैस से, इससे जब हम अक्षय ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनकी तरफ जाते हैं तो क्या होता है, विकास प्रभावित होने लगता है। कैसे? क्योंकि उसका एक राजकोषीय इफेक्ट होता है, यानी ऊर्जा संक्रमण का एक वित्तीय प्रभाव होता है, ऊर्जा संक्रमण का एक वित्तीय प्रभाव होता है, या फिजिकल को हम और अच्छा वर्ड बोले हिंदी में, राजकोषीय प्रभाव होता है। क्या होता है? राजकोषीय। राजकोष क्या होता है? यानी सरकार का कोष, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का कोष, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, राजकोष। जरा समझिएगा, राजकोष में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है, यानी गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, आपने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा, राजस्व प्राप्तियां। मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा होगा, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। और एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां, तो पूंजीगत को हम काट दें, ये जो राजस्व प्राप्तियां हैं जिसमें टैक्स रेवेन्यू होता है यानी कर राजस्व, और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है क्या, गैर कर राजस्व। टैक्स में क्या होता है बच्चे,
टैक्स में यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप यहाँ जो बातचीत कही जा रही है और नॉन टैक्स में होता है, जो हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जो लाभ और लाभांश कमाती है, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से सरकार को जो आय होती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर मुकेश अंबानी की कंपनी है उनको उससे लाभ होता है, वैसे ही सरकार की भी ढेर सारी कंपनी है जिसे हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं। तो सरकार वहां जो भी उत्पादित करती है उसको बेचती है, उससे सरकार को इनकम होती है। तो ध्यान समझिएगा, यही कहा जा रहा है, इस राजस्व की हानि होगी। यानी जब हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाएंगे तो इस राजस्व की हानि होगी। और एडिटोरियल में बहुत अच्छे से बताया गया कैसे हानि होगी, जरा समझ लेते हैं। यानी कैसे हानि होगी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होगी जरा इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। आप सबको पता है कि सरकार क्या करती है, यानी जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा कोल हैं, इन सब पर सरकार क्या लेती है, यानी शुल्क लेती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर इसके बाद जीएसटी लगती है। तो कहने का मतलब ये सरकार के कर राजस्व का एक स्रोत है। और अभी हम डेटा में पढ़ेंगे ये जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी केवल सामान्य समझा रहा हूँ यूपी पीसीएस के क्वेश्चन से कनेक्ट करने के लिए कि आपको हिंदू पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। और दूसरा, अगर हिंदू नहीं पढ़ेंगे तो उस प्रश्न को जो पूछा गया है, जहां भी उसका आंसर किसी भी पुस्तक में दिया गया है, आज मेरे इस एनालिसिस से उसको कंपेयर जरूर करिएगा और फिर आप देखिएगा एग्जैक्ट आंसर क्या होता है। इतना तो विवेक आपका है, आप सोच सकते कि आपको क्यों इन अखबारों की अच्छे राइटर्स, ये सब विद्वान होते हैं। ये बिजनेस लाइन अखबार हिंदू का है और ये अमेजिंग अखबार, इसका कोई मुकाबला ही नहीं, समझ गए। तो यानी सरकार को राजस्व मिलता है और जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स परफॉर्म करते हैं तो सरकार को लाभ भी मिलता है। तो जब हम एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, यानी परम इन कोयला, जीवाश्म ईंधन, इनसे जब हम दूर जाएंगे तो स्वाभाविक है इन पर जो टैक्स वगैरह से सरकार को आय होती है वह भी कम हो जाएगी, नंबर वन। और दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनकी उत्पादन की प्रक्रिया पर भी 2040 के बाद प्रभाव पड़ेगा, ऐसा इस रिसर्च में कहा गया। तो सरकार को पैसे का नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? पैसे का नुकसान, एक। दूसरा, पैसे का नुकसान कैसे हो रहा है कि जब सरकार इस एनर्जी ट्रांजिशन पर जाएगी, पहला तो हो गया कि रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। और दूसरा लॉस कैसे हो रहा है कि जब आप एनर्जी ट्रांजिशन में फाजिल फ्यूल से, जीवाश्म ईंधनों से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, अक्षय ऊर्जा की तरफ मूव करेंगे, तो फिर आपको बड़े काम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? यानी जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन को, तो आपको इनको प्रारंभ में जो भी टैक्स लगता है इन पर, उन टैक्स से छूट देनी पड़ेगी। यानी टैक्स से जो इनकम आती, यानी जैसे मान लीजिए हमने एक कार बनाई, वो इलेक्ट्रिक से बनाई, और उसी साल हमने एक कार बनाई जो पेट्रोल या डीजल से चलती है। तो मान लीजिए 2022 में आपने एक कार बनाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से मतलब जो इलेक्ट्रिक से चल रही है, और एक हमने कार बनाई जो पेट्रोल से चल रहा है, तो आप देखोगे पेट्रोल से सरकार को यानी क्या मिलेगा, राजस्व की का लाभ होगा, क्योंकि इसको कोई छूट नहीं, यानी इस पर सरकार अनेकों प्रकार के टैक्स लगाती है और सरकार की इनकम होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सरकार को अपने टैक्सेस को कम करना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं करेगा तो फिर ना कंज्यूमर और ना ही प्रोड्यूसर, ये दोनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव नहीं करेंगे। अब आप देखिए इसका मतलब सरकार को अपने राजस्व में से यहां कम हो रहा है, उसके बावजूद जो उसके पास राजस्व है उसको उसमें से यहां खर्चा करना पड़ेगा, बहुत सी सब्सिडी देनी पड़ेगी, छूट देनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे लाने के लिए छूट देनी पड़ेगी। जैसे जो सोलर एनर्जी के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको ढेर सारी छूट सब्सिडी मिलती है,
विंड एनर्जी के लिए भी ढेर सारी छूट और सब्सिडीज मिलती है, आप देख सकते हैं। तो सरकार का यानी यहां पैसा जा रहा है और यहां भी पैसा जा रहा है, दोनों जगह पर पैसा जा रहा है। और जब पैसा जा रहा है तो यूपीपीसीएस का यह क्वेश्चन बताइए 100% आपको समझ में आया कि नहीं। आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या। अब इस प्रश्न पर आप अच्छा लिख पाएंगे, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या पर एक नोट लिखना है। तो समस्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यही है समस्या क्या है, आप लिखिएगा। उदाहरण के लिए ऐसे लिखिएगा इस प्रश्न का आंसर, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप लिखिएगा कि हम ऊर्जा संक्रमण की संकल्पना को लें, हम ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन की संकल्पना को लें तो हम इस तथ्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और फिर आप लिखेंगे कि ऊर्जा संक्रमण में जब परंपरागत ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हम जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की खोज कर रहे हैं। हम संतुलन की खोज कर रहे हैं कि भाई आर्थिक विकास भी हो बट संतुलन भी बना रहे। परंतु समस्या आ जा रही, लिखिए तुरंत वहीं, परंतु समस्या आ जा रही है। और समस्या क्या आ रही है, आप लिखेंगे समस्या आ गई क्या कि जो एनर्जी ट्रांजिशन की कॉस्ट है, ऊर्जा संक्रमण की जो लागत है, वह सरकार के राजस्व पर, सरकार के राजकोष पर, उसकी फिजिकल कंडीशन, राजकोषीय दशा पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। और कैसे डाल रही वह मैंने आपको समझा दिया, आप इसी को एक पैराग्राफ में लिखिए, आप सोचिए कितना नंबर मिलेगा। और कुछ डेटा, बगैर डेटा के आंसर राइटिंग होती नहीं है, तो ये जो आप लिखेंगे फिर एग्जाम्पल के लिए डेटा रिसर्च अभी आगे हम करने वाले हैं, अब बताइए मजा आया कि नहीं। तो आपको कैसे तैयारी करनी है और यूपीपीसीएस में क्यों आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों का ही, जो मेंस लिख रहे हैं, सब नहीं, आईएएस की तैयारी तो बहुत बच्चे कर रहे हैं, जो लगातार मेंस लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उन्हीं का सिलेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है। इंडिया में ना जाने कितनी वेबसाइट्स हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो बहुत अच्छी हैं, उनके लिए कंटेंट की कमी नहीं, सुबह उठे अखबार खोले सब बना बनाया हर एक वेबसाइट पर रखा हुआ। आप सोच लीजिए कि आपको कैसे तैयारी करनी, इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस, इस क्लास की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला टॉपिक है, अब आते हैं इस विषय पर लेकिन थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना, इस विषय पर आते हैं। दूसरा, सतत विकास लक्ष्य 13 के मुख्य उद्देश्य क्या है, सतत विकास लक्ष्य 13। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ मेंस में आपके 19 में या 20 में, ये सतत विकास लक्ष्य 13 के मुख्य उद्देश्य के हम यह भी करने जा रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मुख्य उद्देश्य है, 13 का टारगेट है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों पर कार्य करना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट एक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों सतत विकास लक्ष्य 13 पर क्या हम काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे ही हम ऊर्जा संक्रमण की बात करते हैं कि भारत सरकार ऊर्जा संक्रमण एनर्जी ट्रांजिशन की संकल्पना पर काम कर रही है, वैसे ही हमारे सामने आता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य नंबर 13 पर काम करना शुरू कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि आप जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 पढ़ेंगे तो आपको उसमें कई सूचियां मिलेंगी, कई पॉइंट मिलेंगे क्या क्या किया जाना चाहिए। उसमें एक पॉइंट जो सेकंड पॉइंट होगा वो यही होगा कि सरकार की नीति, योजना और परियोजना, यानी गवर्नमेंट क्लाइमेट और डेवलपमेंट के बीच के रिलेशन को पॉजिटिवली, सकारात्मकता के साथ किस प्रकार से लेकर के चल रही है, यानी अपनी नीतियों में, अपनी कार्य योजना में, अपनी परियोजना में, अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ऑब्वियस है एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सरकार की नीति क्या है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पंचामृत COP 26। तो सतत विकास लक्ष्य 13 के मुख्य उद्देश्य, बहुत से उद्देश्य हैं जिसमें दो उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण, पहला कि जो भी देश है पूरे विश्व के, वह जलवायु परिवर्तन से होने वाली घटनाओं को सहने की क्षमता डेवलप करें, उसके साथ साथ अपने जो भी उनके देश में संसाधन, उनको क्लाइमेट रिजाइलियंट यानी जलवायु के साथ
यानी कोई भी परिवर्तन आए तो उसको सहने की क्षमता के साथ डेवलप करें, यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की प्रक्रिया। और दूसरा पॉइंट है सरकार की नीति, योजना, परियोजना और कार्यक्रम। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए, इसी पर आपको लिखना है। तो मुख्य उद्देश्य मैंने दो बता दिया, सरकार की नीति, परियोजना, वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो दो क्वेश्चन इस पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, क्योंकि इस पर कल हम लोग कुछ कर चुके हैं। तो एडिटोरियल लिखा गया है कॉपिंग विद फिजिकल इफेक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, कि जब हम ऊर्जा संक्रमण की तरफ जाते हैं तो राजकोषीय हमें नुकसान होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ कैसे जा रहे हैं, कुछ एग्जांपल, यानी ऊर्जा संक्रमण एनर्जी ट्रांजिशन के एग्जांपल यहां पर आपको जो लिखने हैं। तो सबसे पहले COP26 यूके ग्लासगो का आपके पास, यानी COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो क्लाइमेट चेंज को संबोधित करने के लिए आयोजित होने वाला एक सम्मेलन है, जो इस बार ग्लासगो में हुआ था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा ट्रांजिशन को ध्यान में रखते हुए, यानी एनर्जी ट्रांजिशन को ध्यान में रखते हुए, यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ने का संकेत करते हुए 5 लक्ष्य घोषित किए थे, जिसे हम पंचामृत के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, जिसमें से पहला था भारत 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी को, गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। देख सकते हैं आप, नॉन फॉसिल यानी गैर जीवाश्म ऊर्जा, यानी जीवाश्मों का प्रयोग ना करना, कम करना, यही है एनर्जी ट्रांजिशन, और ये है पहला एग्जांपल। दूसरा है भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। तीसरा है, देख सकते हैं आप, 50% यानी हम अगर 100 ऊर्जा इस्तेमाल करें तो उसमें से 50 क्या होगी, अब रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। तो क्या हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। तीसरा, भारत 2030 तक कुल जो कार्बन एमिशन है उसको 1 बिलियन टन कम करेगा 2030 तक, यानी जितना हमारा कार्बन उत्सर्जन करने का है एक अनुमान, उसको 1 बिलियन टन कम कर देगा। और चौथा, भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा, यानी उसमें कार्बन का उत्सर्जन जितना भी हो रहा है उसमें 45% कमी कर देगा। पांचवा, 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा, नेट जीरो, याद सकते हैं आप, ठीक है ना। अब आइए, ये पांचों किस चीज के एग्जांपल हैं, ये पांचों ऊर्जा संक्रमण के एग्जांपल हैं कि नहीं, पंचामृत। तो 2021 का तो हो चुका, 2022 में क्या UPPCS में पंचामृत पर क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, अभी तक तो आया नहीं है, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन आउट है कि पंचामृत क्या है, व्हाट इज पंचामृत, पंचामृत क्या है, यह किस प्रकार सतत विकास लक्ष्य, चूंकि सतत विकास आपके सिलेबस में लिखा हुआ, IAS में डिफाइन नहीं बट आप में डिफाइन है, यह किस प्रकार सतत विकास लक्ष्य 13 के अनुकूल है। टिप्पणी कीजिए, चर्चा कीजिए। अब आप देख सकते, क्या ये प्रश्न आ सकता है कि नहीं आ सकता है, अब ये UPPCS का अगला क्वेश्चन होगा, आप यहां से देख सकते हैं। तो हमें सोचना है, कैसे सोचना है, ये क्या है, पंचामृत एनर्जी ट्रांजिशन का मॉडल है। क्या है ये, इटसेल्फ एनर्जी ट्रांजिशन नहीं, एनर्जी ट्रांजिशन तो जब हम काम, वो क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन का एक मॉडल है। और एडिटोरियल में कह रहा है कि भैया ये जो तुम एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हो इसका राजकोषीय नुकसान होगा, इसलिए अभी से ही तैयार रहो, उस राजकोषीय नुकसान को रोक दो। और यही आपसे UPPCS में पूछा कि आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या बताइए। तो आप बता रहे हैं भाई आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन बना रहे उसके लिए हमने पंचामृत की घोषणा की है, यानी वह एनर्जी ट्रांजिशन का एक मॉडल है। पर हमें एक गंभीर समस्या पर भी इस समय हमारे पॉलिसी मेकर्स को, नीति निर्माताओं को सचेत होना पड़ेगा।
सतत विकास लक्ष्य 13 पर काम करने के लिए नीतियां बनाना जरूरी है, जैसा कि सतत विकास लक्ष्य 13 की कार्य योजना में दिया गया है। आप उसको पढ़ेंगे, आप डिटेल करेंगे, उसमें दिया हुआ कि सरकार क्या नीति अपना रही। तो सरकार ने पंचामृत की नीति अपनाई है, वह बेहतर है, लेकिन इस पंचामृत नीति के कारण अब जो नए अध्ययन हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत को प्रारंभिक स्तर पर राजकोषीय नुकसान होगा। प्रथम फाजिल फ्यूल्स पर जो सरकार को रेवेन्यू मिलता है जीवाश्म ईंधन पर, वह कम होगा क्योंकि आप उसकी मात्रा कम कर रहे हैं। और दूसरा, जो नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आप व्यवस्था आगे बढ़ा रहे हैं, वो चाहे परिवहन में हो और चाहे किसी भी सेक्टर में हो, इंफ्रा में, तो वहां पर सरकार को अपने राजकोष का एक बड़ा हिस्सा सहायता में लगाना पड़ रहा है। दूसरा, सब्सिडी उन्हें देनी पड़ रही है। और तीसरा, प्रारंभ में उन्हें टैक्स वगैरह से भी छूट देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब है दोनों ही स्तर पर भारत को एनर्जी ट्रांजिशन करते समय राजकोषीय नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो अब राजकोषीय नुकसान का क्या कॉप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉपिंग विद, यानी उसका समाधान। तो सिंपल है, आप चाहें तो यहीं पर एडिटोरियल समाप्त कर सकते हैं। इसका समाधान होगा कि जो सिन गुड्स होती है, क्या होती है, सिन गुड मतलब जो डिमेरिट गुड्स होती है, अवगुण वस्तुएं, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, टोबैको, इस प्रकार की चीजों पर सरकार को टैक्स बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि जो रेवेन्यू का लॉस यहां हो रहा है वह लॉस यहां ना हो और इकोनॉमी को किसी भी प्रकार के असंतुलन की समस्या का सामना ना करना पड़े। और अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इस प्रश्न को आप 100% टिप्पणी लिख ले जाएंगे कि आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या। अब बताइए, एकदम समझ में आया? तो यही आज की चर्चा आपके सामने थी मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप समझे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 13 पर भी बात करेंगे और भारत में संसाधन प्रबंधन, यह 2020 में आया हुआ निबंध है। संसाधन प्रबंधन, अब इस पर भी थोड़ी सी चर्चा की जाए। ये जो आपने सारा टॉपिक पढ़ा, यह क्या है, संसाधन प्रबंधन ही है। कैसे है, यानी संसाधन प्रबंधन कैसे है, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन वह उपकरण होते हैं, वह टूल्स होते हैं जिनके आधार पर चाहे मानव हो और चाहे एक व्यवस्था हो, वह विकास के पथ पर आगे बढ़ती। तो मानव कैसे आगे बढ़ता है, उसे क्या संसाधन चाहिए, उससे अच्छा पोषण चाहिए, उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, उसे अच्छी शिक्षा चाहिए, उसे अच्छा कौशल चाहिए, और फिर वो एक संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही हम जब कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वहां पर भी हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। तो संसाधन का मतलब क्या हो गया, यानी जीवाश्म ईंधन भी संसाधन है कि नहीं, चलो बताओ भाई, जीवाश्म ईंधन यानी फाजिल फ्यूल संसाधन है कि नहीं, अरे है कि नहीं, और नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी भी संसाधन है। तो हम यहां यही पढ़, भारत में संसाधन प्रबंध हम लिखेंगे। जब हम ऊर्जा संक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ मूव करते हैं, तो इसके राजकोषीय नुकसान होते हैं। इसका मतलब है कि राजकोष में संसाधन की कमी होती है, ऐसे में इस राजकोषीय नुकसान की भरपाई करने के लिए हमें अभी से उपाय कर लेना चाहिए। और जो भी डिमेरिट गुड्स हैं, अवगुण वाली वस्तुएं हैं, जैसे शराब, तंबाकू, इस प्रकार की चीजों पर अत्यधिक कर आरोपित कर देना चाहिए। एक, इसके अलावा सरकार को कुछ अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। जब हम एनर्जी ट्रांजिशन पर काम करें तो हमें भारत में संसाधनों के प्रबंधन को हमेशा ध्यान में रखना है। और यह एडिटोरियल ऊर्जा संक्रमण के राजकोषीय प्रभाव से निपटना, यह अपने आप में संसाधन प्रबंधन की ही बात कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि भाई जो नुकसान होगा उससे कैसे निपटेंगे। तो इसका मतलब ये एडिटोरियल नाम अलग है बट संसाधन प्रबंधन की बात वो कर रहा है। तो ये हो गया आपका टॉपिक, कॉपिंग विद फिजिकल इफेक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, क्लाइमेट एक्शन,
लिखा हुआ टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट यूनाइटेड नेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 के साथ यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि अर्जेंट एक्शन की जरूरत, त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, जिससे कि हम जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को नियंत्रित कर सके। ये ऐसा कह रहा है। तो इसका मतलब भारत सरकार ने इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए पंचामृत की क्या किया बच्चों, पंचामृत की घोषणा की है और हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मूव कर चुके हैं। बट एनर्जी ट्रांजिशन करते समय हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे हमारे फिजिकल कंसोलिडेशन, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण यानी राजकोष पर गहरा इंपैक्ट ना पड़े, इसके लिए हमें कुछ उपाय करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं। और ये जो यूनाइटेड नेशन कह रहा है अर्जेंट एक्शन, इधर देखिएगा अर्जेंट एक्शन, तो इस अर्जेंट एक्शन को आप देखिए, 6 असेसमेंट रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की 6 रिपोर्ट क्या कहती है। 6 रिपोर्ट की अभी तक 3 संस्करण, इसके 3 पार्ट आ चुके हैं और इसमें क्या कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज बहुत विस्तार से फैल चुका है, तीव्रता से फैल रहा है और बहुत गहरा हो रहा है। आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज वाइड स्प्रेड, रैपिड एंड इंटेंसिफाइंग। तो इसलिए पंचामृत की आवश्यकता है। अब अगर आपसे पूछे वह प्रश्न कि पंचामृत की इंपॉर्टेंस क्या, सरकार ने क्लाइमेट चेंज को संबोधित करने के लिए पंचामृत की घोषणा की है, तो आप अब लिख पाएंगे ना कि सबसे पहले आप पंचामृत के बारे में बता देंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे कि यह पंचामृत क्यों लाया गया है। तो आप लिखेंगे सतत विकास लक्ष्य 13 को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य 13 में जिस क्लाइमेट एक्शन की बात यूनाइटेड नेशन करता है वह यहां पर पंचामृत में देखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, आपने बता दिया पंचामृत। और फिर अगला पॉइंट लिखिए कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप फिर लिखिए IPCC की 6 असेसमेंट रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज वाइड स्प्रेड रैपिड एंड इंटेंसिफाइंग, यानी कि जलवायु परिवर्तन का विषय गंभीर हो चुका है, इसलिए पंचामृत महत्वपूर्ण है। और अब आप देख सकते हैं, तो यानी आपको पंचामृत भी तैयार हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आया मजा, IAS में जो पढ़ाता हूं PCS एकदम अलग है ना, अब स्लाइड तो नहीं बदल सकता भाई, कंटेंट तो वही रहेगा, लेकिन आप देख सकते हैं शायद यहां जो बातें चर्चा में हुई वहां एक भी नहीं हुई, इसलिए मैंने कहा ये रिजल्ट लैब बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य बहुत शानदार है। याद रखिएगा वही सारी बातें यहां पर आती हैं। यहां कहा गया है कि एज वी स्टार्ट परसुइंग आवर नेट जीरो कमिटमेंट, यानी जैसे ही हम अपनी शुद्ध शून्य प्रतिबद्धता यानी कार्बन न्यूट्रल होना ये सारी बातें का पालन करना शुरू कर देते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम कर देते हैं। और जैसे ही हम जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करते हैं तो सरकार के राजस्व का एक बड़ा स्रोत घट जाता है। यही चर्चा है और यही समस्या है, आर्थिक विकास और पर्यावरण के कार्बन उत्सर्जन के संतुलन की समस्या है। कि अब आप देखिए मजा आया कि नहीं मजा आया, तो GS3 आपके सिलेबस का पार्ट है एनवायरमेंट, ठीक है, IAS PCS में सेम, उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना और PCS में सतत विकास, GS3 की यूनिट 1 जो IAS की है उससे UPPCS का सीधा डिफरेंस है, वो सतत पहली यूनिट में ही लिख दिया है सतत विकास के लक्ष्य। तो हम यानी GS3 इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे सतत विकास के लक्ष्य, तो आप देख सकते हैं सतत विकास के लक्ष्य ये IAS से अलग है, यानी PCS में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधन ये सब, लेकिन वहां लिखा हुआ है सतत विकास लक्ष्य, इसीलिए मैंने सतत विकास लक्ष्य 13 वाला पार्ट भी यहां पर फोकस किया। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए है, मॉडल क्वेश्चन आप एक बना सकते हैं, मैंने एक पहले भी बताया है, एक और भी बना सकते हैं, डायरेक्ट नहीं भी आया तो उससे रिलेटेड ही आएगा। क्या है ऊर्जा संक्रमण, क्या है ऊर्जा संक्रमण, क्या है या ऊर्जा संक्रमण से आप क्या समझते हैं,
इसके क्या राजकोषीय प्रभाव हैं, इसके क्या राजकोषीय प्रभाव हैं, इसके क्या राजकोषीय प्रभाव है, ध्यान रखिएगा, इसके क्या राजकोषीय प्रभाव है, यह सतत विकास लक्ष्यों, सतत विकास लक्ष्य 13 की प्राप्ति के लिए, मैं थोड़ा यहां चेंज कर रहा हूं हिंदी में, 13 की प्राप्ति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप एक प्रश्न की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैंने इन सब विषयों पर चर्चा कर दी है, याद रखिए। तो ऊर्जा संक्रमण क्या है, मैंने जो भी बातें बताई हैं बच्चों, यानी मैंने जो भी बातें बताई हैं वो आपके सामने हैं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ऊर्जा संक्रमण क्या है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना होता है, इसे केवल एक लेक्चर के रूप में मत लीजिएगा। मैंने अब आपने पढ़ा होगा थंबनेल पे लिखा था मुख्य परीक्षा को समर्पित, मैंने फोकस कर दिया है जिस विषय में मेरा स्पेशलाइजेशन है, मैं पहले उसी में आ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि प्री में स्पेशलाइजेशन नहीं है, इकोनॉमिक्स की क्लास जिस दिन लूंगा आप आनंद से सरोबार हो जाएंगे, और जो बच्चे अभी इकोनॉमिक्स कहीं भी पढ़ चुके हैं, मेरा एक और चैनल है बच्चे UPSC 101, आप यहां पर जाइए और इकोनॉमिक आप पूरी क्लास लीजिए, जबकि क्रैश कोर्स है बट आपको अंतर दिख जाएगा कि इकोनॉमी को हमें कैसे पढ़ना। अभी वो मेरा बैच चल रहा है IAS के लिए YouTube पर, ध्यान रखिएगा। तो अभी प्री के लिए भी आऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए यानी मुख्य परीक्षा का स्पेशलाइजेशन है इसलिए मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पहली चीज़ क्या है, व्हाट इज एनर्जी ट्रांजिशन, यानी ऊर्जा संक्रमण क्या है। तो अब हमें कैसे लिखना है, कभी भी तो एक सिंपल होता है, आपने ऊर्जा संक्रमण की परिभाषा दे दी, दूसरा यानी आपने किसी एजेंसी, किसी रिपोर्ट, किसी इंडेक्स के आधार पर अपनी बात कह दी तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, मेरे प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार अगर हम बताएंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। एनर्जी ट्रांजिशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर फ्रॉम फॉसिल वेस्ट टू जीरो कार्बन, वही हो गया, यानी जीवाश्म ईंधन से जीरो कार्बन की तरफ हम जा रहे हैं, यही ऊर्जा संक्रमण है। इसी को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ऊर्जा संक्रमण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का जीवाश्म आधारित से शून्य कार्बन में परिवर्तन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब जीवन में कभी भी एनर्जी ट्रांजिशन, और एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं नहीं चल रहा हूं, आप नहीं चल रहे, पूरा विश्व चल रहा है। IPCC किसी की जो रिपोर्ट आई है इसने पूरे विश्व को चेता डाला है। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन क्यों पूछेगा UPPCS में, क्योंकि हमने पंचामृत के माध्यम से एनर्जी ट्रांजिशन को ही आगे बढ़ाया है। सतत विकास लक्ष्य 13 आपके सिलेबस में है, फिर इसके बाद देख सकते हैं क्लाइमेट एक्शन पर जो रिपोर्ट आ रही है बड़ी खतरनाक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो बातें इसमें कही जा रही है IPCC की रिपोर्ट में, तो ये तो आना ही आना, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, आप यहां से चीजों को बेहतर ढंग से, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों यानी एनर्जी ट्रांजिशन। अब आता है, ये भी पढ़ लेते हैं एक फैक्ट, एनर्जी ट्रांजिशन में हिंदुस्तान कहां खड़ा, यानी हम परंपरागत ऊर्जा से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तरफ जा रहे हैं, कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल की तरफ जा रहे हैं, हम कहां खड़े वो हमें पता चलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो PT का भी है कि भाई वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन निकालता है, आप बताएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, चलो ये भी हो गया। और यह 3 आधारों पर निकलता है, आर्थिक समृद्धि और विकास, ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, ये 3 चीजों को लेता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को, एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी को, एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी, यानी आप क्या करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, ठीक है, आप एनर्जी पर काम करो बट एनवायरमेंट को कितना ध्यान में रख रहे हो, इन 3 बातों पर यह फोकस करता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और भारत आज कहां खड़ा है, भारत आप 115 देशों में 87th रैंक पर खड़ा है इस इंडेक्स में 2021 के, ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ एनर्जी ट्रांजिशन की गति धीमी। अब आपके मन में आएगा सर आपने इसको क्यों लिखवा दिया, अरे मैंने इसलिए लिखवा दिया, जब आप देखिए
क्लास, दिस इज कॉम्पिटिशन। जब आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, ये केवल पढ़ाई नहीं है कि ये चक्र पढ़ लिया वो चक्र पढ़ लिया, ये कॉम्पिटिशन है। जैसे हमें होता है ना कि इन्होंने भी ये वाली किताब पढ़ ली, यही हमने पढ़ ली, यही हमने पढ़ ली, फिर तो सबका कंटेंट एक जैसा हो गया ना। आप दूसरों से, ये कॉम्पिटिशन है, दूसरे से एक पॉइंट आपको ज्यादा लिखना है, और वो भी कुछ ऐसा जो एग्जामिनर को हिट करे। तो जैसे आप लिख रहे हैं व्हाट इज एनर्जी ट्रांजिशन, एक कॉमन बच्चा लिखा कि ऊर्जा संक्रमण ये होता है कि जब हम जीवाश्म ईंधनों से अक्षय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाते हैं, हो गया। एक ने क्या लिखा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार। फिर उसने ये भी लिखा कि अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को देखें तो भारत 115 में से 187th रैंक रखता है, जो दिखाता है कि भारत में एनर्जी ट्रांजिशन की दर अभी अत्यधिक कम है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको क्या होता है, एग्जामिनर का वाव। और यूपीपीसीएस के लिए, कल मैंने आईएएस में ये लाइन नहीं बोली थी, क्यों नहीं बोली थी, वहां कॉन्सेप्ट पे काम चलता है ज्यादा, यहां पर फैक्ट पे काम चलता है, इसलिए आपको अपने आंसर में फैक्ट दबा के डालने हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए, वही आ गया, ऊर्जा संक्रमण के राजकोषीय प्रभाव, वित्तीय शब्द की जगह वित्तीय भी ठीक है, यानी यहां धन की बात हो रही है। तो वित्तीय ऊर्जा संक्रमण के राजकोषीय प्रभाव क्या है, राजकोषीय प्रभाव क्या है, आप देख सकते हैं। तो आईएमएफ का, अब देखिए यही है ना, रिसर्च के द्वारा अब आप देख सकते हैं ऊर्जा संक्रमण का वित्तीय प्रभाव। जरा उस प्रश्न पे आइए, यूपीपीसीएस वाले प्रश्न पे आइए, ठीक है। आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या, देखिए इस विषय को लिखना ना, तो क्या लिखेंगे, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार। देखिए पहला ही पैराग्राफ आपका लोगों से अलग हो गया, आईएमएफ के रिसर्च पेपर के अनुसार, आईएमएफ के रिसर्च पेपर के अनुसार आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या क्या है, वही है कि जब हम एनर्जी ट्रांजिशन पर काम करेंगे तो हमारा राजकोष कम हो जाएगा, यानी सरकार को जो रेवेन्यू इससे मिलता है वो कम होगा, फाजिल फ्यूल्स जब कम करेंगे तो रेवेन्यू भी तो कम हो जाएगा ना, और दूसरा यानी जो हम रिन्यूएबल एनर्जी के कंपोनेंट्स लाएंगे उस पर सरकार को अपना रेवेन्यू ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, इन द टर्म्स ऑफ टैक्स में छूट, इन द टर्म्स ऑफ, यानी टैक्स में छूट, इन द टर्म्स ऑफ सब्सिडी, आप देख सकते हैं। ये आईएमएफ कह रहा है, अब आप सोचिए अपने इस आंसर की शुरुआत आप आईएमएफ के स्टेटमेंट से करेंगे, आप कहां रहेंगे, आप खुद सोचिए। एक चीज और बताइएगा आप लोगों से, थोड़ा लेक्चर मेरा लंबा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, यानी लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है, कोई इश्यू तो नहीं आप लोगों को, फटाफट एक बार बताएं कमेंट करके, ठीक है, क्योंकि लेक्चर लंबा होता है, लंबा चलाएं या छोटा ही चलाएं, जैसा यूट्यूबिया कल्चर होता है कि 15-20 मिनट में सब निपटा दीजिए, बच्चों को फायदा हो ना हो, ठीक है। क्योंकि मेरी जो ये मुहिम है रिजल्ट लैब की, ये उन बच्चों तक पहुंचने की है जो एक्चुअल में इकोनॉमिकली अच्छे एजुकेशन तक पहुंच नहीं पा रहे। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये लाइन कोड कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा बच्चे, मैं यूपीएससी का सेटल टीचर हूँ, मेरी ऑफलाइन कोचिंग है, मैं ऑनलाइन में अन अकेडमी पे, ठीक क्या बोलूँ मैं अब, मैं ठीक है ना, मतलब मैं जबरदस्त सेटल हूँ। सेटलमेंट समझते हैं, एक शब्द होता है, जबरदस्त एक शब्द बोल रहा हूँ, पिछले 10 सालों से मैं ऑफलाइन कोचिंग चला रहा हूँ, मैं कभी किसी के यहाँ काम मांगने नहीं गया, मैं सेल्फ करता रहा और अच्छा पूरा एवरीथिंग, कोचिंग वोचिंग सब अच्छी फर्स्ट क्लास, लेकिन तब भी मैं यूपीपीसीएस में आया हूँ, ये मेरे हृदय के सत्य को पहचानिएगा। वो इसीलिए आया हूँ कि वे बच्चे ठीक है ना, वे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको क्वालिटी कैसे दे पाऊंगा, तो वो 9000 में प्लस पे जब आएंगे तो कम से कम 1,00,000 जो आईएएस की फीस होती है, उस 9000 फीस में मैं कंप्लीट जीएस तो उनका करा ही दूंगा, आप सबको अच्छे से पता, यानी इथिक्स से ही बैच अपना स्टार्ट करूंगा, फिर ए से स्टार्ट करूंगा। अब आप देखिए 400 नंबर हो गया, हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल है तो हिंदी कंपलसरी मैं पढ़ाऊंगा, ये आपका हो गया, और फिर जीएस 1, 2 और 3 की एंसर राइटिंग, कंप्लीट कहानी खत्म आपकी। आपको अलग से इतिहास भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल प्री पढ़ने की जरूरत है आपको, क्योंकि मैं जीएस 1, 2, 3 की आंसर राइटिंग में ही सब सिखा डालूंगा।
आंसर राइटिंग में ही मेंस खत्म कर दूंगा। ये मेरा उन बच्चों के प्रति समर्पण है जो एक्चुअल में बीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो मैं आईएएस वाले पे नहीं कर पा रहा क्योंकि वहाँ फीस ऑब्वियस है यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा टारगेट है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सिलेक्शन होगा नहीं, ये आप मान के चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ना, नहीं नहीं, आपको जहाँ पढ़ना हो कहीं से पढ़िए, बट कॉम्पिटिटिवनेस आपके दिमाग से जानी नहीं चाहिए कि आपका मुकाबला आप जो बच्चे यानी कि टॉप इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं सारा कंटेंट पटा पड़ा, सारा कंटेंट अटा पड़ा है, पटा पड़ा है उन बच्चों से, और वो आईआईटी हैं, एमएनआईटी से आपके, मतलब समझ रहे ना, बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है। एजुकेशनल की बात मैं कर रहा हूँ, पैसे वाली नहीं, एकेडमिक रिकॉर्ड भी उनका बहुत ज़्यादा हाई है। तो एकेडमिक रिकॉर्ड किसी का अच्छा होता है, जो बहुत अच्छे से एकेडमी को समझता है यानी एजुकेशन को समझता है। तो इसलिए बहुत गहरा काम करने की आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाला, तो मैं इसीलिए इस चैनल पे आया हूँ, नहीं तो मैं यहाँ आकर के इतना टाइम मैं क्यों दूंगा, जबकि मैं आईएएस का को टीचर हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन सब बेस्ट चलता है, मैं क्यों जो है इतना परेशान हूँ कि यहाँ के लिए भी वहाँ के लिए। तो मेरे इस कार्य को थोड़ा समझिएगा, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे किसी से मर्सी चाहिए कि आप मुझे प्रोत्साहन दो, लेकिन कम से कम जब कोई व्यक्ति परिवर्तन लाने पर काम करता है और उसके अंदर ऑनेस्टी है तो उसको समझना चाहिए कि आपको अपने आप को झोंक देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। तो आईएमएफ की स्टडी भी यही बात कहती है मेरे प्यारे बच्चों कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स कम हो जाएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म जब आप फाजिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को जो लाभ लाभांश होता है वो भी कम होगा। अब देखिए यहां डेटा दिया गया, मैंने कहा था बच्चे क्या डेटा दिया गया है, याद रखिएगा क्या दिया गया है, डेटा। तो डेटा क्या है आइए देखते हैं, यानी जीवाश्म ईंधन से सरकार को क्या राजस्व प्राप्त होता है ये आप देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2019 का आंकड़ा है केंद्र सरकार के लिए, 2019 का आंकड़ा है केंद्र सरकार के लिए। तो सरकार के कुल राजस्व का, अगर सरकार का कुल राजस्व 5 है तो उसका एक हिस्सा फाजिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधनों से आता है, इन पर जो टैक्स लगता है, जो ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती, तो आप देख सकते। और राज्यों का जो कुल, यानी जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है तो राज्यों का जो कुल रेवेन्यू होता है, जैसे 100 रुपया टैक्स एंड नॉन टैक्स से अगर 100 रुपया इकट्ठा हुआ तो 8 रुपया फाजिल फ्यूल से मिलता है जीवाश्म ईंधनों से राज्य को। और अगर हम सेंटर और स्टेट को कंबाइंड कर दें, यानी केंद्र और राज्य को संयुक्त रूप से देखें, तो जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होता है, कुल राजस्व जो इकट्ठा होता है 100 रुपया, तो उसका 13 रुपया किसका होता है, यानी कि राजस्व का। ये नुकसान होगा, अब तो और मजा आ गया होगा, डेटा भी आ गया, और इसे हम जीडीपी का 3.2% कह सकते हैं, भारत की जीडीपी का 3.2%, ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए अब समझ में आ गया होगा ऊर्जा संक्रमण के क्या राजकोषीय नुकसान होंगे, और ये किस किताब में मिलेगा ये कंटेंट, ये भी सोचिएगा, तब आपको समझ में आएगा हिंदू पढ़ना क्यों जरूरी। आप मुझे बताएं ऊर्जा संक्रमण के क्या राजकोषीय नुकसान है, आप विचार करिए इस पर कहीं कुछ कंटेंट है। किताबें तो बहुत ओल्ड हैं, याद रखिएगा कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो आप देख सकते हैं। ये है वित्तीय नुकसान, आईएमएफ इसकी बात कर रहा है, और यूपी पीसीएस यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के संतुलन की समस्या। तो समस्या यही है कि हमें आर्थिक विकास करना, उसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन जब हम कार्बन संतुलन करने पर आगे बढ़ेंगे तो रेवेन्यू का नुकसान होगा, तो इसका समाधान कैसे होगा, यानी डिमेरिट्स गुड पर टैक्स लगा दो मेरे प्यारे बच्चों। अब एक पॉइंट हो गया कि नुकसान हो रहा, अब दूसरी बात यही बताया गया कि जैसे ही हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करेंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस है हमें नुकसान होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रारंभ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सहयोग करना पड़ेगा, यानी उत्पाद शुल्क, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार छूट प्रदान करेगी। फिर इसके बाद इन पर जो इलेक्ट्रिक कार बन करके आएंगी उन पर जीएसटी कम लगाना पड़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन
पॉलिसी के कारण बहुत सी छूट देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं, तो यह जो कर का राजस्व कम हो रहा है प्लस जो सरकार सब्सिडी दे रही है, तो केंद्र और राज्य सरकारों पर राजकोषीय दबाव होगा, यानी उनका राजकोष कम पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। बट ये सब्सिडी आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपको सब्सिडी देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि SDG 13 के लक्ष्य आपको प्राप्त करने हैं। तो ऐसे में समय की आवश्यकता है। समय की आवश्यकता क्या है कि नए प्रकार के टैक्स हम या जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग टैक्स है उनको बढ़ा दें। तो इन्होंने कहा कि भाई जो तंबाकू शराब है इन पर टैक्स बढ़ा दीजिए। मेरी तरफ से है एक दो पॉइंट और, कि जैसे जो किसान है, जो बड़े किसान है, उनको भी इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए, बिल्कुल लाना ही चाहिए। लेकिन वही है कि वो राजनीति का विषय हो जाएगा तो हो नहीं पाएगा। यानी जो बड़े किसान है उनको इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा जो कॉरपोरेट्स हैं उन पर टैक्स बढ़ाया जाए, यानी कॉरपोरेट्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी कैटेगरी बनाई जाए। अभी क्या है, सभी कॉरपोरेट्स की एक कैटेगरी है, लेकिन कॉरपोरेट्स की कैटेगरी बनाइए, टॉप 2% है उन पर आप ज़्यादा टैक्स लगाइए। इससे आप रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो एनर्जी ट्रांजिशन की कीमत देश की इकोनॉमी को चुकानी पड़ेगी। अब बताओ बच्चों, मज़ा आया कि नहीं मज़ा, यानी आनंद आया कि नहीं आया, अब आप बताएं। पहला टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों, इसी हिसाब से हम लोगों को चलना है, ध्यान रखिएगा। तो एक टॉपिक यहां पर शानदार ढंग से अपना खत्म होता है। दूसरा टॉपिक छोटा सा है, इसमें बस इतना ही बताऊंगा। एक प्रश्न आया था, क्या प्रश्न आया था एक बार उस पर, एक प्रश्न आया था UPPCS में, उसको मैं यहां पर लिख दूं फिर आता हूं। भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए। यह बहुत संक्षेप में है, भारत में, ये UPPCS का क्वेश्चन है 2018 का, GS1 का है। भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए, का मूल्यांकन पूछ रहा कीजिए, ठीक है ना। यानी क्या कह रहा है, इवेल्युएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वोमेन इन इंडिया। तो बदलती स्थिति जरा मैं केवल बताना चाहता हूं। तो ये टॉपिक क्या है बच्चे, इस टॉपिक में कहा गया कि अगर आप लैंगिक अंतराल, यानी लैंगिक अंतराल का मतलब होता है मेल और फीमेल में जो अंतर सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एक मेंटेलिटी होती है जिसे हम पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता बोलते हैं, और यह अदृश्य होती है, दिखती तो है नहीं, एक प्रकार का विचार होता है जिस विचार में मेल डोमिनेंट सोसाइटी के द्वारा, पुरुष प्रधान समाज के द्वारा यह माना जाता है कि महिलाएं इस व्यवस्था में सेकेंडरी या द्वितीयक है। तो उसी के कारण से महिलाएं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वह जो है राजनीतिक प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, वो सभी स्तरों पर पीछे हो जाती हैं। उसी के लिए कहा गया है कि लैंगिक अंतर, उसी को बोलते हैं लैंगिक अंतर, इसको पाटने के लिए महिला सहकारी बैंकों का विस्तार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति, इस प्रश्न में आपको सामाजिक पहलू भी लिखना है, राजनीतिक पहलू भी लिखना है, प्रशासनिक पहलू भी लिखना है, ठीक है, इसके अलावा आर्थिक पहलू भी लिखना है, इसके अलावा प्रौद्योगिकीय पहलू, यानी प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका क्या है। तो बट इस पूरे टॉपिक में हम आर्थिक पहलू की बात करेंगे। यहाँ ये कहा गया है कि अगर हम, यानी क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है GS1 महिला समाज और महिला संगठन, ये UPPCS का सिलेबस है। तो यहाँ मैं बस इतना बताऊंगा, ये कहा गया है कि अगर स्त्रियों को सशक्त करना है तो जो महिलाओं के द्वारा संचालित सहकारी बैंक होते हैं उनको हमें आगे बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि जो महिला आधारित कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, महिला आधारित जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, यानी महिलाओं को बेहतर ढंग से संबोधित करते हैं, यानी उनके उनके ऋण की आवश्यकताओं को। और यहाँ पर एक बैंक का जिक्र किया गया है, माण देशी बैंक, बस आप यही याद रखिएगा, यानी माण
देशी बैंक, ये एक महिला सहकारी बैंक है जो महिलाओं के नेतृत्व में चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, जो निम्न और मध्यम आय वर्ग की महिला हैं उनको ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन महिला सहकारी बैंकों के द्वारा, जिसमें महिलाओं की भूमिका केंद्रीय है, जो कमजोर और वर्ग से महिलाएं आती हैं, अगर मान लीजिए वो कोई व्यवसाय यानी पशुपालन करना चाहती हैं, बकरियां पालना चाहती हैं कि भाई हम 25 या 10 या 5 बकरी पालेंगे, कोई गाय पालना चाहता है, कोई भैंस पालना चाहता है, कोई मछली पालना चाहता है, कोई एग्रोफॉरेस्ट्री करना चाहता है, तो उनको यह बैंक बहुत सरल और आसान ढंग से समझाते हैं। उसके साथ साथ उनको यह बैंकिंग सेवाएं यानी ऋण आसानी के साथ उपलब्ध कराते हैं। इससे इन महिला कोऑपरेटिव बैंक्स यानी विशेषकर जो ये मान देशी महिला सहकारी बैंक पुणे का है, इसने निम्न एवं मध्य आय वर्ग की महिलाओं में से यानी उद्यमी महिलाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्यमी यानी जिनका अपना अपना कोई काम होता है, यानी स्वयं भी काम करते, कुछ लोगों को रोजगार भी देते। तो अब UPPCS में कोई प्रश्न आएगा, बाकी डीप में आपको नहीं जाना, उसमें पूछेगा कि महिला, क्या प्रश्न पूछा, महिलाओं की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए, आया ना। तो आप लिखेंगे कि आज महिलाएं उद्यमी बन रही हैं, आज महिलाएं उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बन रही हैं। उदाहरण के लिए मान देशी महिला सहकारी बैंक पुणे के उदाहरण से समझा जा सकता है कि वह किस प्रकार से निम्न और मध्यम आय वर्ग की महिलाओं को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कर उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और यह दिखाता है कि महिलाओं की जो भूमिका है वह बदल रही है, अब वो केवल गृहिणियां नहीं है, अब वह क्या हो रही है, उद्यमी भी हो रही हैं। उस प्रश्न में एक दूसरा पॉइंट आपको यहां पर क्या करना है, जब भी पूछेगा कि लैंगिक अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, तो आप यही लिखेंगे कि महिलाओं को भी उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। और यही मान देशी महिला बैंक वाला उदाहरण आप डाल दीजिएगा तो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। बाकी अंदर कुछ मत पड़ेगा, वो UPSC के लिए मैंने पढ़ाया, बहुत डिटेल था, उतना जाने की आवश्यकता नहीं। मैंने फिर से बोला IAS और PCS में एक अंतर जो मैं समझ पाया हूं, अगर आप रैंक लगाना चाहते हैं तो फैक्चुअल बेस पर UPPCS का आंसर लिखना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा। एकदम IAS की तरह चलेंगे तो थोड़ी सी समस्या आएगी, यानी यहां पर फैक्चुअल बेस्ड ज्यादा होगा। अरे भाई यार, कितने में पहला क्वेश्चन 125 शब्द में लिखना, 125 होता क्या है, आप कितना एनालिसिस कर पाएंगे, इसलिए सतर्क रहेगा। दूसरा वाला 200 में लिखना, UPSC वाले आंसर 250 में लिखने होते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए यहां पर आपके पास 125 में जितना फैक्ट डालेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखें। और मैं उसी हिसाब से UPPCS की तैयारी आप लोगों को रिजल्ट लैब पे करा रहा हूं। रिजल्ट लैब का उद्देश्य क्या है, एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी, यानी उन सभी बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं जो किसी कारणवश महंगी फीस के कारण अपने सिविल सेवक बनने के स्वप्न को, चाहे वह IAS क्यों ना हो, मैं केवल PCS की बात नहीं कर रहा हूं, इस चैनल पर कम से कम आप कुछ ना से, जैसे जो केवल IAS पर फोकस कर रहे हैं बट पैसे नहीं, तो कम से कम आप यहां पर मुझसे ऐसे, आप यहां पर एथिक्स, आप यहां पर मुझसे आंसर राइटिंग GS 1, 2, 3 ये सब तो मुझसे पढ़ सकेंगे, और धीरे धीरे तो सारा ही पढ़ पाएंगे। जो एक दो साल बाद करेंगे तब तक तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा चुका हूँगा, पॉलिटी पढ़ा चुका हूँगा। आप एक बार सर्च करो M लक्ष्मीकांत, मैंने पूरा M लक्ष्मीकांत यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ और अच्छा खासा हिट है वो, ठीक है बच्चे। तो मेरा अपना मानना है धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें करूँगा, बट आप लोग मेहनत करें और इकोनॉमिक सर्वे के लिए तैयार रहिएगा सारे बच्चे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग स्पेशल की क्लास में सारे बच्चे इकोनॉमिक सर्वे वाले में जरूर आएंगे, कल से या परसों से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और लगातार 10 दिन तक वो क्लास रहेगी, 214 या 15 पेज का पूरा इकोनॉमिक सर्वे का कंटेंट है, बायलिंगुअल है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, दोनों में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। और अगर इकोनॉमिक सर्वे आपको सिखा ले गया तो समझिए आपकी UP स्पेशल, यानी मेरा एक बैच हमेशा UP स्पेशल पर चलेगा, YouTube पर भी चलेगा और प्लस पर भी चलेगा,
यूपी स्पेशल एक नए अंदाज में, क्योंकि देखिए इसमें क्या है बच्चे, इसमें मेरी अपनी भी बढ़ोतरी है। कैसे है यार, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, अगर मैं यूपी के बारे में बहुत अच्छे से जानूंगा तो किसी ने फ्यूचर देखा है क्या? तो जो ज्ञान है ना, जो शिक्षा है, ये मैं इसलिए नहीं कराता हूँ कि मुझे आप लोग आएंगे एडमिशन, वो तो होता, वो सब बाद की बात है। निष्काम कर्मयोग में काम करता हूँ, सब होता है, एडमिशन भी होता है, बच्चे भी आते हैं, हजारों हजारों आते हैं, ये भी नहीं क्या मतलब थोड़े मोड़े आते हैं। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं आनंद लेता हूँ। आप सोचो कि अगर किसी को यूपी पीसीएस पढ़ाना हो स्पेशल, तो सोचेगा अरे यार कहाँ से क्या करें। मैं इसलिए पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे क्यों पढ़ रहा हूँ, आपको तो पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ मुझे यूपी और अच्छे से समझ में आएगा। 3 से 4 साल मैं यूपी को बहुत अच्छे से समझूंगा, इसके बाद फिर यूपी की किसी भी प्लानिंग में मेरा मेजर रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये हम लोग देखिए, हो ना हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको और हमको, हमें क्या करना, कर्म करना, क्या पता कब कहां मौका मिल जाए। तो यूपी स्पेशल मैं केवल इसलिए पढ़ा रहा हूं, इतना वर्कलोड है मेरे ऊपर, उसके बाद भी मैंने यूपी पीसीएस रखा है कि मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। यूपी पीसीएस स्पेशल का जो पेपर होता है वो सारा मैं उस पर, मैं किताब पर भी उस पर काम कर रहा हूं। तो मेरा यही है कि बहुत मतलब अच्छे उद्देश्य से हम लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगे। जय हिंद बच्चे। और रिजल्ट लैब यार आपका है, इसको भाई बड़ा धीमे धीमे चल रहा है, मुझे तो लगता था कि क्वालिटी एजुकेशन की कद्र है, लेकिन खैर अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। बट यार क्वालिटी एजुकेशन चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, उसको इज्जत मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो फ्री और फोकट का समझ करके, देखते इतने बच्चे हैं, लाइफ वगैरह इतना कम होता है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार मतलब एनालिसिस क्या बोला जाए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को समझिए। थैंक यू सो मच।